पठानकोट के विधायक अमित विज द्वारा 5 अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिस दौरान पठानकोट के कैंट रेलवे स्टेशन पर फ्लाईओवर बनाने की विशेष रूप से चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन पर फ्लाईओवर बनाया जाएगा तथा जल्द ही लोगों को ये सुविधा दे दी जाएगी। सबसे पहले मैं फिर सीएम साहब का शुक्रिया अदा करना, जाफर साहब का, कि उन्होंने मेरी मदद की, शहर की मदद की, साढ़े कि जेडे बड़ी पुरानी रिक्वायरमेंट सी पठानकोट कैंट स्टेशन तो टाकी तो जो सा आर ओ वी बनना सी, कंसल्टेंट साढ़े अपॉइंट हो गए ने। उस कंसल्टेंट ने एक रिपोर्ट बनाई है तो ये 5 डिपार्टमेंट्स की इनवॉल्वमेंट हैगी है। मैं अपने प्रोजेक्ट्स के एक्सपीरियंस देखा कि व्डे व्डे प्रोजेक्ट छोटे छोटे इशूज रह जाते हैं, तो कोई नैगलीजेंस ना हो जाए या कोई गलती ना कुछ रह ना जाए, जैसे सारे डिपार्टमेंट असं बैठे हैं, रादर अपना असी लोकल जो लैंड ओनर्स ने आस पास के उन्होंने भी इनवॉल्व किया। तो मेरी प्रायोरिटी है वह कि जो फ्लाईओवर बने वो टोटल गवर्नमेंट लैंड से बने ताकि साडा कोई कोर्ट च केस जाके फस ना जाए, क्योंकि साड़ी प्रायोरिटी है 6-7 महीने च अप्रूवल लैके 8 महीने च असी इहदा काम चालू कराइए। तो अज तहसीलदार साहब गुराया जी, साढ़े मंडी बोर्ड के सैकटरी साहब एक्सन साहब, SDO PWD नरेश जी सारे इत्थे हैगे ने, असी पूरा डिटेल च डिस्कस किया। तो जिहड़ा रफ प्लैन कंसल्टेंट ने दिता और उपर असी बुरजियां लगा रहे हैं गवर्नमेंट लैंड से, ताकि जिहड़ा कंसल्टेंट है विद इन स्कोप गवर्नमेंट लैंड से उन्हें प्लैन करे। तो प्रोजेक्ट असी उस तरीके नाल बना रहे हैं कि अगले 50 साल की रिक्वायरमेंट साड़ी सिटी की यही फ्लाईओवर टेकअप कर सके। तो हुण असी साइट विजिट ते जावांगे, कल टीम सारी मिलकर बुरजियां लगाएगी, फिर कंसल्टेंट उन्होंने रीविजिट करेगा एक बार विद इन बाउंड्रीज, असी इन्हू प्लैन करके फिर डिपार्टमेंट्स, एक NHA इनवॉल्व होएगा, एक रेलवे मिनिस्ट्री, एक साडे मंडी बोर्ड ते PWD, इन्हों नू असी इनवॉल्व करके कोशिश करांगे कि अरे जल्दी तो जल्दी अप्रूवल लैके आइए, टेंडर फ्लोट करके काम चालू कराइए। इट इज ऑलरेडी बजट च ऑलरेडी प्रोविजन हो गया। जागती लड़के लिए पठानकोट से लवप्रीत सिंह की रिपोर्ट।